तरह का बैग ना ले जाकर आप इस तरह का बैग ऊपर चढ़ाई करते टाइम के लिए यूज करा रही हूँ कि किस तरह से पैकिंग करें, क्या सामान रखें और क्या सामान ना रखें। तो इस तरह के कंबल रख लिए हैं। अब यहाँ हमने खाने के लिए कुछ सोया स्टिक्स। तो आज है दोस्तों 21 दिसंबर और मैं जा रही हूँ माता वैष्णो देवी के धाम, वो भी दो दिन बाद यानी कि 23 दिसंबर को। और मैंने सोचा क्यों ना मैं पैकिंग करने बैठ रही हूँ तो पैकिंग की एक ब्लॉग बनाई जाए जो कि मेरे लिए तो सही सही आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से पैकिंग करें, क्या सामान रखें और क्या सामान ना रखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए जिससे कि मैं आपको वैष्णो देवी के दर्शन और वैष्णो देवी से जुड़ी सारी बातों की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और जिन सबकी वीडियो आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पे मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो कुछ पहले बात आती है कि बैग को लेके किसी के साथ जा रहे हैं तो आप ट्रॉली बैग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो आप आते हैं ट्रेवल वाले बैग, उनको आप कैरी कर सकते हैं। इनमें आप जो है पूरा सामान आराम से आपका सामान जो है आ जाएगा और उसी के साथ आप एक और बैग कैरी करें, दूसरा मिनी बैग होगा जिसे आपको चढ़ाई करते टाइम ऊपर लेके जाना है, क्योंकि इस तरह का बैग लेके ऊपर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए इस तरह का बैग ना ले जाकर आप इस तरह का बैग ऊपर चढ़ाई करते टाइम के लिए यूज़ करें। तो पैकिंग करने से पहले सबसे पहले आपको यह सोचना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डेली यूज़ में लगती ही लगती हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें आसानी से पता होंगी तो आपके लिए पैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। भाई उठते से ही हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है ब्रश और टूथपेस्ट की, फिर उसके बाद हम नहाएंगे तो उसके लिए मैंने फेस वॉश और सोप ले लिया है। फिर उसके बाद हमने जो है सर्दियों का दिन है तो हमने नीविया की कोल्ड क्रीम, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी, उसी के साथ हमने ये वैसलीन का विंटर वाला लोशन ले लिया है। विक्स की जो है डिब्बी रख ली है क्योंकि अगर वहाँ हमें जुकाम वगैरह हुआ तो वो हमारे काम आएगी। फिर उसके बाद ये हमने लाइनर रख लिया है हमारे लिए, फिर हमने एक ये नॉर्मल सी लिपस्टिक रख ली है। तो ये तो हो गए हमारे सुबह उठने और नहाने को लेकर सामान। उसके बाद हमने कुछ इस तरह की पॉलीथिन्स रख ली हैं जो कि हम नहाएंगे वहाँ पर, तो उसके बाद जो हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे तो वो गीले कपड़े रखने के लिए हमने कुछ इस तरह की पॉलीथिन रख ली है। और साथ ही हमने ये टिश्यू पेपर का एक पूरा पैक रख लिया। बारी आती अब कपड़ों की तो कपड़े कैसे क्या ले जाने हैं, तो इस टाइम पे वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो आप प्रेफर करें कि स्वेटर लेकर ही जाएँ और थोड़ी अच्छी स्वेटर लेकर जाएँ हेवी क्वालिटी में जो अच्छी गर्म हो। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन कुछ इस तरह के कपड़े पहन के जाएँ, जैसे कि लोअर टी शर्ट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल फील कराएँ। इनके कपड़े हैं, कपड़ों के अलावा यहाँ पर मैंने ले ली हैं हाथी, मैंने कुछ और कपड़े भी रख लिए हैं जैसे कि ये मैंने मेरे अंडर गारमेंट्स रख लिए हैं, फिर ये मैंने कुछ मास्क रख लिए हैं, फिर उसके अलावा ये हम लोग 3 दिन के टूर पर जा रहे हैं तो ये हमने सॉक्स रख लिए हैं, फिर हमने यहाँ पर ग्लव्स रख लिए हैं, फिर उसके अलावा कुछ अलग हैंकी रख लिए हैं हमने 2-3, फिर उसके अलावा ये हमने 2 तरह के टोपे रख लिए हैं, एक ये वाला और एक आप देख रहे हैं ये वाइट वाला, 2 तरह के हमने ये टोपे रख लिए हैं। फिर उसके बाद सर्दियों का टाइम चल रहा है तो दोस्तों वहाँ पर ठंड जो है बहुत ज़्यादा होगी तो इसके लिए हमने जो है इस तरह के कंबल रख लिए हैं। आप देख सकते हैं ये पतले वाले कंबल है जो आराम से आपके लगेज में या बैग में आ जाएंगे और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे और बहुत अच्छे और गर्म भी हैं। फिर उसके अलावा हमने हमारे मोबाइल का चार्जर ले लिया है, उसके अलावा फिर हमने ब्लूटूथ भी रख लिया है और एक पावर बैंक भी रख लिया है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ हमने खाने के लिए कुछ सोया स्टिक्स रख ली हैं, बिस्किट रख लिया है और कुछ मंच रख लिए हैं, तो ये हमारे सफ़र में खाने के लिए हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने जो है शूज़ रख लिए हैं जिन्हें हमने अलग से एक पॉलीथीन में ही रखे हैं और इसके अलावा हम वहाँ पर सिंपल सैंडल या स्लीपर्स पहन के जाएंगे। सके तो एक छोटा फास्टैग बॉक्स भी तैयार कर लीजिए जिससे जिसमें आप छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे कि पेट दर्द या सर दर्द की गोली, उल्टी की गोली, बैंडेज वगैरह छोटी मोटी चीज़ें रख सकें। और उसके अलावा ये हमारी जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और मैं सामान रखते समय आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जो चीज़ आपको सबसे लास्ट में यूज़ करनी है उसको आप सबसे नीचे रखें और जो चीज़ आपको शुरू में ही यूज़ करनी है उसको आप ऊपर रखें। जैसे कि ये कंबल जो है आपको ट्रेन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है तो इसको सबसे ऊपर ही रखें। उसके अलावा जो माता रानी के दर्शन के लिए आपने कपड़े निकाल के रखे उनको सबसे नीचे रखें जिससे कि आपको सबसे लास्ट में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की नई नई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।